लाली भाग भाग जल्दी भाग लाली लाली भाग रुको और रुको बेटा भाग रुको लाली भाग लाली बताता चल मजबूर पिटते माता पिता और उनकी रोती बिलखती बच्ची को आखिर क्यों इतनी दरिंदगी से अलग किया जा रहा था। ये कौन सी जगह थी जहां लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर ताकतवर अपनी लाठी का जोर चला रहे थे और कमजोरों के जोर को कुचला जा रहा था। आखिर क्या था ये केस और इस दरिंदगी की वजह क्या थी। आज का दिन कत्तो बड़े हो गए हो ना। शाम होने तक तो ऐसे लगे हो कि जैसे 14 बरस का वनवास काट लिया हो मैंने। अरे सुन तो मारी रानी, जरा मुस्कुरा तो। देख, देख, मैं थारे लिए केल आया। गजरा। आपने सोनो चांदी आपने पास ही रखो। रसोई में घने काम से मने। अरे सुन तो। सोने का मीरक देखकर सीता जी भरमित हो गई और सीता जी की मरित तृष्णा देखकर राम जी बोले के बापूसा। अरे मारे लाडो कैसा है मेरा बच्चा। बापूसा बापूसा मेरे लिए गजक लाए। हाँ लाए, जा थैले में रखी अपनी माँ से ले ले जा। ये कदी गजा कदी मालपुआ, रोज रोज ऐसे लाड लड़ाएगा तो आदत बिगड़ जाएगी छोरी की। अरे मासा मेघई से तो घर बार में चहक रही है, मना गरीबी तो कब का दम खोट चुकी होती। ऐसा बुझा बुझा क्यों बोल रहे अनिल। बुझी बुझी तो रमा रह रहे आजकल। देख बेटा, घर गृहस्थी की झंझट में कदी कदी मन उचाट हो जावे है, थोड़ो बाजार में घुमा फिरा ला बिंदनी को, घूमने फिरने से मन बदल जाएगो। चले भैया 50 रुपए। चल 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 यहाँ से चल चला जा। दूसरी कोई चौकी सी दिखाओ भैया। चौकी सी? हाँ अभी दिखा देता हूँ। हाँ जी हुई ना कोई बात। अच्छा कितने की है ये? बस 500 रुपए की। 500 रुपए? ना ये तो महंगी है। हाँ पहन कर तो देखी, दाम तो मैं कम कर दूंगा। चल रमा चल उठ यहाँ से, उतार चूड़ी उड़ी। अरे पर चूड़ी मैंने कहा चल चूड़ी मन चूड़ी आजा आजा मन चूड़ी। अरे चल ना चूड़ी बाद में ले चल। ज़्यादा जुगनू ना चमकाओ, थकर चूर हो गई हूँ। जे देख, अरे इकी महक खड़ी थकान पूरी दूर कर देगी। जे देख तो। माने ना जिलाओ, तकिया लगाओ और सो जाओ, मने भी नींद आ रही है। जमा, तू मारे से नाराज है का? हैं? तू मन्ने से खुश ना है के? क्यों? थे मारा दुख बांटना चाहवे हो? मैं जानो कि मैं कोई करोड़पति या लखपति ना हूँ, पर थारो पति तो हूँ। अच्छा तो अब थे मने ताना दे रहे हो? नहीं रमा, समझने की कोशिश कर। 8 साल हो गए ये घर में मजदूरी करते, लेकिन कदे कदे कोई सुख सुविधा की बात कर लूं तो थाने बुरो लग जावे। अब तो बर्तन माज माज के हाथा में छाले भी पड़ गए हमारे, लेकिन थाने गई, थाने तो बीवी ना।
नौकरानी चाहिए थी। बीवी नौकरानी नहीं, घर की लक्ष्मी हो गए। तो अब आदमी की बदकिस्मती का ठीकरा भी मैं औरता पे फूटे गो। तू हर बात को उल्टी क्यों ले रही है? उल्टा सीधा सब एक बराबर। वैसे भी कौन सी इस बात से हम धन्ना सेठ बन जाने हैं? माथा फट रहा है मेरा, सोने दो। इन्हें एटीएम कार्ड के में मेगा रानी और माता की एटीएम ने मशीन में डालो और पैसा धड़ाधड़ 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 बाहर। के बात करे मशीन से पैसा? हाँ, 100-100 का 500-500 का नोट धपा दब बाहर। अरे भाई सुबोध, गम्मा घड़ी भाई साहब। हाँ, घड़ी गम्मा, घड़ी गम्मा, ना खोज ना खबर, अचानक कैसे? अब भाई साहब अंग्रेजी में कहवे है ना सरप्राइज, बस वो देने आ गया आपको। छुट्टी मिल गई? तने छुट्टी उट्टी ना मिली, नौकरी छोड़ दी मैंने। और वैसे भी वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में क्या धरियो है? नौकरी छोड़ दी, लेकिन अब करेगा के? भाई साहब शहर में एक कहावत है, नौकरी और छोकरी दोनों बदलते रहना चाहिए। क्या उठपटांग सीख के आया है तू शहर से? अरे मासा तू फिकर मत कर, सिर्फ कहावत सीखी है, तेरे संस्कार ना भूला मैं। लेकिन अब करेगा के? बिजनेस। और मासा तेरा सुबोध सिंह बन जावेगो सेठ सुबोध सिंह, फिर देख गाड़ी बंगला नौकर चाकर सबकी लाइन लगा देगा तेरा सुबोध। मार बच्चे। लो दे बच्ची और पूरी खाओ। भाभी जी इतना खिलाओगी तो खाती लोटो लोगे भागना पड़ेगा। छी ऐसा ना बोलो, वैसे भी शहर में ऐसा खाना कहाँ मिलता होगा। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। वैसे भाभी जी क्या बढ़िया खाना बनाया आपने। भाई साहब लोटी लग गई है आपकी, ये भाभी साहब जैसी सुंदर और बढ़िया बढ़िया खाना बनाने वाली लुगाई मिली है आपको। और मासा मारी एक बात सुन ले तू, अगर तुझे हमारी शादी करनी है तो हमारे लिए भी भाभी साहब जैसी ब्यूटीफुल लड़की ढूंढ ले। ब्यूटीफुल का मतलब जाने तो क्या हो? ब्यूटीफुल का मतलब वो है सुंदर और सुशील, जैसे कि हमारी भाभी साहब। अठे कुछ ना है भाभी, जिंदगी तो शहर में है, वहाँ हर चीज ऑटोमेटिक। अच्छा? हाँ, वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियाँ, मोटरें, पैसों निकालने की मशीन, मोबाइल सब है। मेरा मोबाइल देखो तुमने? ना ना देखो, ये देखो कितना कमाल को फोन है ना। हाँ। फोन, इंटरनेट सब कुछ है यहाँ में। देखो एक कैमरो। कितने को आवे छे फोन? 5,000। 5,000? अब की बार जो शहर जाऊंगा ना तो तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा एक ऐसा। सच्ची? हाँ। अरे वाह, तो ये बात तो एक सेल्फी हो जाए। जे कहोगे? सेल्फी ना जानो तुम? ना, नए शहर को नया फैशन है ये। अब यूं समझो कि खुद से खुद की फोटो। खुद से खुद की फोटो? हाँ। जाओ, तुम ना मानो, यह देखो। अरे इसमें तो हम दोनों देख रहे हैं। हाँ, उधर देखो। अच्छा तो ये हो गए सेल्फी। हाँ। रमा मैं खेता जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैं खानो बांध दी हूँ। ना ना रहने दे, मन्ने देर हो रही है। अरे सुनो तो, ये देखो ब्यूटीफुल को मतलब वो है सुंदर और सुशील, जैसे कि हमारी भाभी सा। कटे से भीतर और काका भीतर। तो तू बाहर क्या कर रही है? तुझे कहा ना कि तू अंदर खेला कर। काका सा ने बोला बाहर खेलने को। अनिल भी आ गयो। देखो माता, जब तक मैं शहर जाके खुद के लिए घर न बना लेता ना, तब तक तुम्हारे लुगाई लाने की सोचो भी ना। पर छोरा। अरे मासा अभी हमारी खेलने कूदने की उम्र है, और तुम जब देखो जब शादी की रट।
भाई साहब। हाँ। मैंने आपसे कुछ कहना है। कहे? भाई साहब, खेती बाड़ी और ना होने की मेरे से, मैं सोच रहा हूँ शहर जाके कोई नौकरी छोकरी ढूंढ लूं। देख सुबोध, दूर के ढोल दूर से ही चौखो लागे हैं, ऐसा बाबू साहब बोलते थे। अरे उनकी मती मारी गई थी, पर मैंने ना बनना उनकी तरह किसान, मैंने उनकी तरह मिट्टी खोद खोद के ना मरना है। एक बावड़ा मत बन, किसान को बेटा खेती करके ही जिंदा रह सके। अरे क्या खाक जिंदा रह सके है? जिंदगी भर धरती माँ की पूजा कर करके हमारे देश की धरती सोना उगले गा गा के कौन सो किसान कुबेर बन गए आज तक, इधर देखो। और वैसे भी ये जय किसान जय जवान के नारे सुन सुन के आपकी छाती चौड़ी होती होगी, पर मन ने न मरना उनकी तरह मिट्टी खोद खोद की, मन ने बस शहर जाके पीसो कमाणो है। सुबह सही कहता था, पुरखों किसी के काम आई मन ने, आधी जिंदगी बीत गई, न रमा न सुख दे पायो, न बेघर ने अच्छो भविष्य, बस बहुत हुआ बनवास, अब मैं शहर जाऊंगा। देश के छोटे बड़े गांव से रोजाना कई लोग रोजगार की तलाश में शहर आते हैं। शहर की चकाचौंध में अपना नसीब चमकाने की लालसा अक्सर अपनों को अपनों से दूर ले आती है, और जब अनिल जैसा अशिक्षित वर्ग शहरों की तरफ रुख करता है तो उनकी चुनौतियां पढ़े लिखे वर्ग के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल होती है। अनिल और रमा का रिश्ता आर्थिक तंगी की वजह से पहले ही तनाव में था, और उस पर सुबोध की शहरी चाल ढाल में रमा का आकर्षण अनिल के मन में कई अंतर्द्वंद खड़े कर रहा था। लेकिन अपने विचारों के विपरीत शहर जाने का अनिल का यह फैसला थोड़ी सी खुशियों के लिए जिंदगी का दाव खेलने जैसा था। अचानक से शहर में नौकरी करने की क्यों सोची तूने? वो मासा, मेघा बड़ी हो रही है, काल को सोचने लगी कि उसका काका तो शहर वाला है और बाबू सा गांव वाला, तो तू भी शहर चला जाएगा तो बाप दादा की जमीन कौन देखेगा? मासा, जमीन तो बटाई पे दे देंगे, वैसे भी खेती करके कौन सी आमदनी हो रही है, मने लगे है अब शहर की चकाचौंधी मारो नसीब चमका सके। होगी 8,000 रुपए, मंजूर है? मंजूर है साहब, देर से आना, काम चोरी, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है मुझे। थारे कोई शिकायत ना होगी साहब? ठीक है, कल से आ जाना। मारी घरवाली और छोरी ने गांव से लाना चाहता हूँ, अगर आप कल की बजाय 2 दिन बाद शुरू करने को बोलो तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब। लेकिन देख, अगर 2 दिन में तू नहीं आया तो किसी और को नौकरी पे रख लूंगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। चलो साहब, राम राम साहब। रमा, रमा, मन्ने शहर में नौकरी मिल गई। हाँ, क्या बात कर रहे हो? सच्ची? सच्ची, कल तू मैं मेघा तीनों तड़के ही निकल लेंगे शहर। अरे वाह 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 वाह, भाई साहब शहरी बाबू हो गए हमारा अनिल भाई साहब, चलो मैं भी चलूँ आप लोगों के साथ। ना सुबोध, तू मासा के साथ यहाँ रहे हैं, तो पहले शहर में मारे पाँव जमड़े दे, फिर तुझको और मासा को दोनों को ले जाएंगे, ठीक है? मेघा मेघा, अरे मारी लाडो। आजा रमा, आजा। ये रहो अपनो जयपुर रो घर, ये सारा सामान मकान मालिक का है, अपने काम आ जावेगा, अब अपनी गरीबी के दिन जाने वाले हैं, अब तो खुश है ना तू? सोचने लगी कि तो सारे दिन काम में चले जावे हो और मैं अठे अकेली बैठी रहूं हूं। अच्छा सुनो, मने घूमने जाना है। ठीक है, मैं साहब जी से बात करके
दो चार दिन में छुट्टी लेता हूँ, फिर तने घुमाने चलता हूँ, ठीक है? चलो फिर तो। अरे अरे क्या कर रही हो, मीका जाग जावेगी। अरे नहीं जागेगी, छोड़ मैं थक रही हूँ, मने सोबा दियो। अरे सुन तो, मने नींद आ रही है। अरे रमा सुन तो, मारा होटल अटेक में काम करूं। आजा आजा आजा, चल चल तुझे साहब से मिलवाता हूँ, आजा। राम राम साहब, जे मारी घरवाली गांव से आई है। राम राम। राम राम, बस थोड़ा शहर घूमने चाहे थी तो मैंने कहा कि खाना वाना। तेरा ही तो रेस्टोरेंट है, जो जी में आए खाओ, हैं केवल खा लिए, आराम से बैठ कर खाओ। बता के खाएगी? मने ना वो पनीर वाली सब्जी होवे ना, एक तो वो खानी है, और वो काजू वाला साग एक वो भी, और वो बड़ी बड़ी रोटियां होवे ना, जो जो उछाल उछाल के बनावे। जा रुक जा, और भारी हो जावेगा। ऐसा करते छोले भटूरे खाते। मने ना खाने छोले भटूरे, और आज शहर लेकर आए हो, आज तो खिलाओ कम से कम। बहुत भारी हो जाएगा, जेब खाली हो जाएगी। कुछ भारी भारी ना होगा, मने जो खाना है सो मैं खाऊंगी, ज्यादा बोलो ना ऐसे। अरे वो जेब खाली हो जाएगी, जो जीव में आता है वो खाने के लिए मंगवा, पैसे की चिंता मत कर। नहीं नहीं सेठ जी, अरे तू तो इस रेस्टोरेंट में काम करता है, अपनी लुगाई को भी खिला, अपनी बच्ची को भी खिला है बेटा, चल खा, जो जी में आए वो खा। अब तो सेठ जी ने भी कह दिया, अब मैं खाऊंगी। आपका सेठ ना घना चोखा आदमी है, देखो कितना महंगा खाना भी मुफ्त में खिला दिया। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी नौकरी कर लूं। तू और नौकरी? क्यों, मारे नौकरी करने में क्या परेशानी है? शहर में तो और भी नौकरी करे। अभी दो दिन तो हुआ तुझे शहर आए हुए, और फिर तू जानती क्या शहर के बारे में, और फिर तने आता क्या है? खाना बनाना तो आवे है, होटल की रसोई में कोई काम तो कर ही लूंगी। थे बात करो ना सेठ जी से। ना ना कोई जरूरत ना है। जरूरत कैसे ना है, जरूरत है। देखो हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेंगे। इच्छाओं का कोई अंत ना होवे, और जितना पैसा मैं कमाता हूँ वो हम सबके लिए काफी है। नौकरी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, हु? और यहाँ रानी बन के रहे। अरे देखना एक दिन तेरा ये राजा ना यहाँ राजमहल खड़ा कर देगा। हाँ राजमहल जब होगा तब होगा, फिर पहली मने एक फोन ला दियो बिल्कुल सुबोध जैसा। ठीक है, पहली तनख्वाह मिलते ही तुझे फोन ला के दूंगा। अरे अब तो खुश। लग रहा है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, भगवान करे रमा ऐसे ही खुश रहे, अपने परिवार की खुशहाली को ऐसे ही बनाए रखने के लिए खूब मेहनत करूंगा मैं। ये ले 8,000 रुपए तेरी तनख्वाह के। मेहरबानी मालिक। और सुन, 1,500 रुपए तेरा बोनस। बोनस? हाँ बोनस। इसके अलावा एक बोनस और है तेरी घराड़ी के लिए। अब तेरी घराड़ी नहीं, तेरी बेटी के लिए भी। वापस ले आना उन्हें, यहाँ आराम से सह परिवार खाना खिलाने, वो भी बिना पैसों के। मेहरबानी मालिक। रमा रमा रमा, रमा जल्दी से आंखें बंद कर। पर काई हुई हो? अरे बंद तो कर, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। अरे पर हुई हो काई? अरे मारी रानी बंद तो कर। अच्छा अच्छा ठीक है, लो करूँ। ये जय देख। अरे फोन। कैसे लगो? हाँ हाँ बढ़िया है, मारे पहले तनख्वाह मिली और बोनस भी, तो तुम्हारे लिए फोन ले आया।
हरिगम्मा भाई साहब। सुबोध तू? हाँ आज सवेरे ही आयो है। आज को दिन कितना अच्छा है ना, आज सुबोध भी आ गयो और आज आपको तनख्वाह भी मिल गई। आपको नया फोन? हाँ दिखाओ तो। अच्छा वो लेते हैं, वो क्या कहते हैं, खुद से खुद की फोटो सेल्फी। अरे पर भाभी जामे तो सामने वाला कैमरा ही ना है। क्या बात कर रहे हो? हाँ कैमरा ही ना है। ये देखो ना, मैंने था से कहा था ना, मैंने सुबोध जैसा फोन ही चाहिए। अरे वो बड़ो महंगो है, थोड़े दिन इससे काम चला ले, बाद में दिलवा दूंगा। मैंने कहा था मैंने ऐसा फोन ना चाहे, अब इसमें मैं सेल्फी कैसे खींचूंगी? इसमें बहुत सारा खेल है, देख तो। अल्लाह दिखाओ तो। ज्यादा खेल भी ना है, सिर्फ एक दो है, एक यो है और एक यो है बस। मैंने ना चाहे ऐसा फोन, मैंने कहा था मैंने सुबोध जैसा फोन चाहे। अरे भाभी सुनो तो। देखो भाई साहब, आप अगर पहले ही शहर आ जाता तो आज आपका ठाटी कुछ और होता, पर कोई ना, अब मैं जो आ गया हूँ और अपना बिजनेस जमते ही आपको भी अपने साथ मिला लूंगा। मन्ने ना अच्छा लगा ये फोन, इसमें तो रेडियो भी ना है। अरे भाभी साहब हमारा बिजनेस तो जमने दो, मारे से भी अच्छा फोन दिलाऊंगा आपको। बिजनेस करना कोई जादू मंत्र है कि मंत्र फूके और बन गयो सेठ? अरे भाई साहब मैं आप तुम्हारी जिंदगी को नक्शो बदल दूंगा। बिजनेस का चक्कर छोड़ और कोई ढंग की नौकरी कर ले। अरे भाई साहब मैं नौकरी वोकरी करने ना आया। बड़े शहर में बिजनेस करना तो आसान ना है, कल को पछतावे से अच्छा है कि कोई चोखो निर्णय ले ले। सुन हमारे होटल में एक वेटर की जगह खाली है, तू कल चल मेरे साथ, साहब से बात करूंगा, दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। मैंने ना बनना है वेटर, वेटर अपनी नौकरी अपने पास रखो। अरे देवर जी कर लो थोड़े दिन नौकरी, दो पैसे हाथ में आ जावेंगे और फिर जब पैसे हो जावे खूब सारे तो कर लेना बिजनेस, क्यों? ठीक है अब आप कह रही है तो बन जाएंगे वेटर और चल लेंगे कल आपके साथ होटल, ठीक है? अब खुश? अच्छा फिर हमारा फोन? अरे हाँ हाँ वो भी ला देंगे। साहब पिछला एक महीना सो ना हमारा बड़ा बेटा को फोन लग रहा है ना हमारा छोटा बेटा को फोन लग रहा है। अब बैठिए मासा। भाई माता जी आपके बेटों के नाम क्या है? साहब बड़ा बेटा को नाम अनिल और छोटा को सुबोध है। दो महीना पहला मारो बड़ो बेटो अनिल अपनी घरवाली और बच्ची का साथ यहाँ जयपुर में रहने आया था, बाद में सुबोध भी उनके साथ रहने लग गयो। ये सब रहते कहाँ हैं? साहब मैं उनको पतो भी को नहीं जानू। एक बार अनिल ने मनी ऑर्डर भेजो तो भी मैं पतो देख कर मैं आज तड़के ही यहाँ पहुंची हूँ। साहब यहाँ के देखो साहब तो घर में ताड़ो लग रहे थो, अड़ोसी पड़ोसी से पूछो पर कोई पतो नहीं चलो। साहब भाई जी हाँ जी ये पतो बताओ कोड़ा को है? ये सामने वाला घर है, कोने वाला है। मासा से अनिल और सुबोध दोनों के फोन नंबर लो और पता करो कि इन दोनों के फोन कब बंद हुए, जब बंद हुए तो वो दोनों किस लोकेशन पे थे। सर आपके बेटों की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी? साहब गांव में तो कोई दुश्मनी नहीं थी, शहर की मैं नहीं जानू। अच्छा वो दोनों काम क्या करते थे? साहब एक बड़ा होटल में बेरा को काम करते थे। कौन सा होटल? कोई बड़ी होटल है साहब, जयपुर चाय का नाम। हाँ सर वो दोनों यहाँ पर वेटर थे लेकिन मैंने एक महीने पहले दोनों को बाहर निकाल दिया था। क्यों? उन्होंने मेरे गले से 10,000 रुपए गायब कर दिए थे। सेठ तमीज से बात करो, आपनी भी रेस्पेक्ट है, चोर लग रही हूँ कहीं? चौथा जना बाजे घना, पक्का पैसे तूने ही निकाले। देखो सेठ 6,000 रुपए गलत इल्जाम लगा रही हो। बस साले ये सब लोग मेरे पुराने नौकर हैं और तू नया है, चल निकाल पैसे। सुबोध ऐसा नहीं कर सकता साहब। तो फिर तूने निकाले हैं पैसे, तू भी तो नया है। हा? नाना साहब आप गलत सोच रहे हो। बकवास बंद करो, निकालो दोनों को यहाँ से बाहर। और हाँ 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले
जेल में डलवा दूंगा। अरे निकालो यहाँ से बाहर। थारे पीछे लौटा देंगे साहब। थारे पीछे लौटा देंगे साहब। तुमने पुलिस कंप्लेंट की? नहीं सर। क्यों नहीं की? दरअसल बड़े भाई पर मुझे दया आ गई। बोला कि वो पैसे वापस लौटा देगा। बड़ा वाला भाई बहुत सीधा था, लेकिन वो छोटा वाला एक नंबर का हरामी था। तो उसने तुम्हारे पैसे लौटाए? नहीं सर, अनिल ने वादा तो किया था, लेकिन फिर वो कभी लौट के ही नहीं आया। साहब, उस सुबोध की सजा उस बेचारे अनिल को भुगतनी पड़ी। साहब, चोरी अनिल ने ना करी, चोरी सुबोध ने की है साहब। तुमने देखा था सुबोध को चोरी करते हुए? सर देखा तो नहीं, वो शक्ल से बड़ा चालू था साहब। हेलो, अरे पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। तोड़ दो ताला। सुन, पत्थर ले गया। इनके पड़ोसियों से पूछताछ करो और आके मुझे रिपोर्ट करो। सर, सर अनिल के पड़ोसियों से पूछताछ करने पर मालूम चला है कि 20 दिन पहले तक अनिल अपनी घरवाली और बेटी के साथ में वहां रह रहा था। सुबोध भी एक महीने पहले तक उनके साथ में था, लेकिन आखिरी दिनों में दिखाई नहीं दिया। और सर, एक पड़ोसी ने यह भी बताया है कि उन आखिरी दिनों में सुबोध एक दिन घर पे आया था जब अनिल घर पे नहीं था। सुबोध कब आया था उनके घर? सर, नौकरी से निकालने के एक हफ्ते बाद, यानी 8 अगस्त को। बड़े भाई की गैर मौजूदगी में ही सुबोध उनके घर क्यों आया? सर, सुबोध ने जयपुर जाकर रेस्टोरेंट से 10,000 रुपए चुराए थे। शायद इस वजह से अनिल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। और तब हो सकता है सुबोध अपने भतीजी मेघा से और भाभी से मिलने के लिए आया हो। दोनों भाइयों की मोबाइल डिटेल्स? सुबोध का फोन 10 अगस्त से बंद है, जब अपनी भाभी से मिलने के लिए गया था उसके 2 दिन बाद से। उसकी लास्ट लोकेशन भी उसी एरिया के आसपास थी जहां अनिल किराए पर रहता है। और अनिल का फोन कब बंद हुआ? सर, उसका फोन तो सुबोध के वहां जाने के 2 दिन पहले से ही बंद है, यानी 6 अगस्त से। और हाँ सर, अनिल के घर से जो हमें मोबाइल बॉक्स मिला था उसका IMI नंबर ट्रेस हो गया है। लोकेशन बेनाड़ के आसपास की। और इस इलाके में अनिल के साथ काम करने वाले वेटर विक्रम का भी घर है। उठा के लाओ उसे। यस सर। क्या हुआ साहब? सर्च करो अंदर। जी सर। ये रहा सर अनिल का मोबाइल। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बता बता, ये अनिल का फोन तेरे पास क्या कर रहा है? कहाँ है अनिल? साहब मैंने ना पता साहब अनिल का है। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, अनिल ने खुद ही मोबाइल मुझे बेचा था। नौकरी से निकाले जाने के बाद उसे कुछ पैसों की जरूरत थी साहब। नौकरी से निकाले जाने के कितने दिन बाद बेचा था ये मोबाइल? ये कोई 8 या 10 दिन बाद साहब। 8 या 10? ठीक ठीक याद नहीं है, लेकिन जब अनिल की बीवी हमारे सेठ से मिली थी उसे ठीक 2 दिन पहले साहब। क्या अनिल की बीवी तेरे सेठ से मिलने आई थी? हाँ साहब। तो क्या सेवा की जाए आपकी? सेठ जी, आप अनिल को दोबारा से नौकरी पे रख लीजिए। चोरी सुबोध ने की होगी, ये ऐसा काम ना कर सके हैं। बड़ा विश्वास है अपने आदमी पे? सेठ जी, ये तो बहुत भोले हैं। इन्होंने तो सुबोध से अपना रिश्ता भी खत्म कर लिया। ये तो खुद सुबोध को दोषी माने हैं। अब आप ही बताइए, अगर ये झूठे होते तो ऐसा काम करते? हमारा सेठ अनिल की बीवी पर बहुत मेहरबान था, लेकिन साहब उस दिन उसने उससे ना तो हाँ कहा ना ही ना कहा, बोला सोच के बताऊंगा। किस बात को लेकर मेहरबान था वो अनिल की घरवाली पे? साहब, अनिल 2-3 बार उसकी घरवाली और छोरी को लेकर हमारे रेस्टोरेंट आया था, तब हमारे सेठ ने महंगे से महंगा खाना उसे मुफ्त में खिलाया था। और साहब, अगर हम अपने किसी घरवाले को चाय भी पिला देना तो हमारे तनख्वाह में से पैसे काट लेता था साहब। ये जयपुर जायका रेस्टोरेंट का सेठ मुझे पहले से ही गड़बड़ लग रहा था। जरूर इसकी बुरी नजर अनिल की बीवी पे होगी, इसीलिए चोरी की शिकायत करे बिना उसने अनिल को नौकरी से निकाल दिया ताकि उसकी बीवी से फायदा उठा सके। पकड़ के लाओ उसे, उसका जायका हम बिगाड़ते हैं। सर, तुम्हारा सेठ कहाँ है? वो तो कल से नहीं आए। उनका नंबर दो। हाँ जी।
तुम्हारा सेट रहता कहाँ है? हेलो सर, जयपुर जाकर रेस्टोरेंट के सेठ राजेश का घर और मोबाइल दोनों बंद है, और कल से वो रेस्टोरेंट पे भी नहीं आया। उसका फोटो हर जगह सर्कुलेट करो, पता करो कि भागकर गया कहाँ है। ओके सर। ऐसे क्यों देख रही है? पुलिस को फोन करना पड़ेगा। बापू सा हम घर कब जाएंगे? ओके। पहले तूने हमसे ये छुपाया कि अनिल की बीवी तुझसे मिलने आई थी, फिर इसी से फोन करा के अपने अड्डे का ठिकाना बता दिया। क्या चक्कर है ये सब? सर मैं डर गया था कि कहीं अनिल मुझे जान से ना मार दे। वो बावली बुद्धि कभी कभी बहुत ही खूंखार हो जाता था। वो बावला है या तू हमें बावली बूझ समझ रहा है? कहाँ गायब हो गया था अचानक से? गायब कहाँ हुआ था सर, मुझे तो जैसे ही पता चला कि आप लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं तो मैंने सामने आने में ही भलाई समझी। और आप क्या कर रही थी इसके साथ? साहब, हमारे देवर ने इनके गले से पैसे चुराए थे, जिसकी वजह से इन्होंने हमारे आदमी को भी नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद दोनों भाइयों में ऐसा झगड़ा हुआ कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। सट के गले तूने हाथ मारा ना? भाई साहब चिल्लाओ मत, तूने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। तो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। और झगड़े के बाद जब ये घर आए तो मन ने भी उल्टा सीधा सुनाने लगे। यू कहीं हो गयो? खून कहीं बह रहे हो? हो बताओ ना, और सबूत कटे है। खबरदार, जो थारी जबान पे उस कमीने का नाम भी आयो। हैया कहीं लेबा कह रहे हो? काको भाई लागे वो। और मैं थारो खसम प्यारो है कि वो यो कहीं अनाम शनाम बक रहे हो थे। पता ना सुबोध के साथ उनकी के कहा सुनी हुई, जिसके बाद वो मारे पे गंदा गंदा लांछन लगाने लगे। मारे से ना रहा गया साहब, छोड़ो मने, देवर ला गया वो मारा, और देवर भाई के समान हो गए, समझा कुछ? 8 साल हो गए मारा ब्याह को, और अगर मैं इतनी बुरी लगूं तो जान से मार दो मने, लेकिन असरा लांछन ना लगाओ। उसके बाद पता ना उसके जमीर ने उससे के कहा कि वो मारे से आके माफी मांगने लगा। मने माफ कर दे रमा, गुस्से मारी बुद्धि फिर गई थी जो तने उल्टा सीधा कह दिया। मने माफ कर दे रमा, मने माफ कर दे। अगर अनिल गलतफहमी का शिकार था तो झगड़े के बाद उसकी पीठ पीछे सुबोध तेरे पास क्या करने आया था? आया था ना, या कहेगी याद नहीं? मने सब याद है साहब, सुबोध आया था, पर मैंने उसे रुकने ना दिया। देख सुबोध, मैं ना चाहती कि थारी वजह से हमारा घर बर्बाद हो। पता ना थारे भाई साहब के दिमाग में के चल रहा है। तने आना है तो आ, पर थारे भाई साहब हो जद आना, समझा? तू इससे मिलने इसके रेस्टोरेंट गई थी? हाँ साहब, अनिल की नौकरी छूटी 1 हफ्ता गुजर गया था, उन्हें दूसरी नौकरी भी ना मिल रही थी, इसलिए मैं उनसे बोली। देखो चोरी तुमने ना की है, चोरी सुबोध ने की थी, उसकी सजा तुम क्यों भुगतो?
तुम ना एक बार सेठ जी से जाकर मिलो। वो हमारी कोई बात नहीं सुनना चाहते। आप बोलो तो मैं जाके बात करूं। वो बड़े भले आदमी हैं, हो सकता है हमारी मदद कर दे। फिर मैं सेठ जी से मिली और सेठ जी ने हमें अपने घर की रसोई में काम दे दिया और रैली को कमरा भी। तूने इन्हें घर पे नौकरी क्यों दी, रेस्टोरेंट पे क्यों नहीं दी? देखो अगर ये तुम पर दबाव डालकर ये सब कुछ बुलवा रहा है ना, तो डरना बिल्कुल नहीं। ना साहब, ऐसा कुछ भी ना है। अनिल भी तुम्हारे साथ इसके घर पे था, फिर वो कहाँ गया? मैंने पता ना साहब, लेकिन वो अकेले ना भागे, हमारी बेटी को भी लेकर भागे हैं। आ गया? मगर क्यों? पता ना साहब, वो बिल्कुल बावले से हो गए थे। बावले ही ना, जिद्दी, शक्की और बड़े ही गुस्सेल हो गए थे। सुबोध के बाद अब वो ये कहने लगे थे कि इनके साथ हमारा कोई गलत रिश्ता है। उनकी गलत फहमियों के कारण मैं इनसे आंख मिलाने से भी हिचकती थी साहब। सर मैंने तो बस इनका अच्छा सोचकर इन्हें नौकरी दे दी, लेकिन अनिल ने तो अपने शक के घेरे में मुझे भी घसीट लिया। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती तो वो मारे पे ही बिगड़ते। वो कई बार अपनी गलतियों की माफी भी मांग लेते, लेकिन फिर वापस वैसे के वैसे ही। एक दिन मैंने बोल दिया साहब, अगर ऐसा ही रवैया रहा तो मैं मेघा को लेकर गांव चली जाऊंगी। जे सुनकर ऐसा बिगड़े कि जान लेने पर उतारू हो गए। देख अनिल, पागल मत बन। अरे अपनी बीवी को कोई ऐसे मारता है? ये मारी बीवी है, मारू या पिटू कुछ करूं, आप कौन है बोलने वाले? अरे तो बीवी है तो क्या जानवरों की तरीके से मारेगा? मारूंगा। उस वक्त तू हमारे पास क्यों नहीं आई? मैंने लगा साहब कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन ना। उसके बाद मैंने सुबोध का फोन आया। कहाँ? सेठ जी के फोन पे। और वो मुझसे बोला, भाभी साहब मैंने ढूंढ लिया थारे पति को। अच्छा, कठे है वो? और मेघा कहाँ है? अरे बता दूंगो, इतनी जल्दबाजी भी क्या है, पहले हमारी बेइज्जती को हिसाब किताब तो चुक तो कर लूं भाई साहब से। अनिल के साथ मारी छोरी है साहब, अगर दोनों भाइयों की दुश्मनी की सजा मारी छोरी को मिली तो मैं कभी खुद को माफ ना कर पाऊंगी साहब, कभी माफ ना कर पाऊंगी। किस नंबर से कॉल किया था सुबोध ने? सर, सर ये इस नंबर से। मासा, मासा, मैंने, मासा, मैंने क्या किया होगा मासा? मैंने तो कटे चले गई थी, मैंने तो कटे चले गई थी। मारो अनिल और सुबोध कटे बेटा, मारो अनिल और सुबोध कटे, मैंने, मासा। तू मारी मेघा है, मारी मेघा, सिर्फ मारी। मुझ बंजर को तेरा ही सहारा है, तुझे अपनी छाती से लिपटा कर रखूंगा, कहीं जाने ना दूंगा। तू मारी मेघा है, किसी को ना ले जाने दूंगा, किसी को ना ले जाने दूंगा। सर, सुबोध ने जिस नंबर से फोन किया था वो ट्रेस हो गया है, फोन अभी भी ऑन है, लोकेशन दादी के फाटक के आसपास की है।
मिस सायरा। अबू आप? सायरा, तुम यहाँ हॉस्टल में? ये हो क्या रहा है? अबू वो अम्मी। आपकी सख्त जरूरत है एक पहेली को सुलझाने के लिए। मतलब कौन सी पहेली? तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे भाइयों बहनों का मर्डर हो चुका है? क्या क्या बोल रहे हैं आप? एक लाश तो तुम्हारी भी थी, मतलब हमें बताया गया था कि तुम भी मर चुकी हो। हा? लेकिन तुम तो हमारे सामने जिंदा खड़ी हो। एक पहेली तो ये, और दूसरी पहेली ये कि तुम्हारी माँ कहाँ गायब है? अबू ये झूठ बोल रहे हैं ना, कह दो कि ये झूठ है। नहीं बेटा, ये लोग जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अगर अपने भाई बहनों की मौत का इतना ही गम है तो पिछले 20 दिन से तुम कहाँ थे? कोई एहसास भी है आपको कि आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं? घर में जवान बेटी अम्मी, कुछ तो लिहाज करो। और आज के बाद मैं इस हराम की कमाई को ना हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अब से इस घर में कोई भी मर्द आया ना, चली जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़ के। अम्मी को यह एहसास होना जरूरी है कि हर वक्त उनकी मनमानी नहीं सह सकती मैं। एक महीने तक घर नहीं आऊंगी और ना ही तुम लोगों से कोई कांटेक्ट करूंगी। ध्यान रखना। और उस दिन कहां थी जब मर्डर हुए? पिछले महीने की 17 की बात कर रहा हूँ। अब कहना क्या चाहते हैं? मैंने मारा मेरी छोटी बहन को, छोटे भाई को। माँ जैसी थी मैं उनकी, छोटी सी उम्र से उनकी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली। कभी अपने बारे में सोचा भी नहीं। एक तरफ उनका ख्याल रखती थी, दूसरी तरफ अम्मी का। अब आप मुझ पे शक कर रहे हैं? क्या है ना सर, हमें शक करने की तनख्वाह मिलती है। और मैंने तो नहीं कहा कि तुमने मारा, मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। तुम ही हो जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हो कि मैंने नहीं मारा। मैंने एक बार भी कहा कि तुमने मारा है। लेकिन आपके सवाल का रुख उसी तरफ जा रहा है। एक कहावत होती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। वैसे इस वक्त हमारा शक है तुम्हारी अम्मी पर, क्योंकि कत्ल के बाद से वो गायब है। मेरी अम्मी अपने बच्चों का खून नहीं कर सकती। अच्छा, सुनाए काफी झगड़े होते थे तुम दोनों के बीच? हाँ होते थे, क्योंकि हमेशा वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागती थी, हमेशा गलत रास्ता अख्तियार कर लेती थी इसीलिए। तो इस बार गलत रास्ता किसने अख्तियार किया, अम्मी ने या तुमने? जब तुम्हारी लाश मिली तो हम सब लोग उल्लू बन गए थे। शक अम्मी पर गया, फिर पता चला कि तुम जिंदा हो तो उसे क्या मतलब है आपका? किस पे शक? तुम्हारी अम्मी पे या तुम पे? मेरी अम्मी अपने बच्चों का खून नहीं कर सकती। देखो देखो अम्मी क्या लाई है। हाँ चॉकलेट। सारा बेटा चॉकलेट मिल बांट के खाना, और अब से तुम्हें कुछ भी चाहिए हो अम्मी को बताना। ठीक है अम्मी। ये अंकल है ना, ये हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। सारा बेटा, अंकल और मैं अंदर कमरे में कुछ काम कर रहे हैं। ये दुपट्टा अम्मी यहाँ लगा रही है। अगर रिजु तुम्हें परेशान करे या कोई और भी आए ना बेटा, तो ये दरवाजा मत खटखटाना। जी अम्मी। काम खत्म होते ही हम ये दरवाजा खोल देंगे। मुफलिसी इंसान से, खासकर बेसहारा औरत से क्या क्या करवाती है आपको इसका अंदाजा नहीं। मैं जवान हो रही थी, खुली आंखों से सब देख रही थी। अम्मी पर गुस्सा भी आता था और तरस भी, और वो चाहे जिस हाल में हो, उन्होंने हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर एक दिन। पागल हो गई हो या मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? अरे बच्चा ही चाहिए था तो मैं शादी नहीं कर लेता। अरे तुम्हारा और मेरा रिश्ता खुशी देने और लेने का है, ना कि बच्चा पैदा करने का।
गिरा दो इसे। माफ कीजिए गिलानी साहब, ये बच्चा मैंने ही गिराऊंगी। क्या चाहती हो तुम? हाँ सब कुछ तो दे रहा हूं मैं, फिर बच्चे को बीच में लाकर रिश्ता क्यों खराब कर रही हो? कितने पैसे चाहिए बोलो? हाँ और गिरा दो इसे। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, ये बच्चा मेरी कोख में, आप अगर साथ ना भी दें तब भी मैं इसे जन्म दूंगी। देखो मैं चाहिए यह बच्चा, तय कर लो, अगर बच्चे को बीच में लाई तो आमदनी खत्म हो जाएगी, कह देता हूं। इस बच्चे को लेकर आपके दरवाजे पे कभी नहीं आऊंगी, बाकी आपकी मर्जी। अगर अम्मी को बच्चों को मारना ही होता तो उसी दिन मार देती, ज्यादा पैसे मिलते, मुफलिसी की हालत घर में दोबारा नहीं आती। लेकिन उन्होंने बच्चे को जन्म देना जरूरी समझा, भले वो जो करती थी सब गलत था, हमारी परवरिश उन्होंने जैसे भी की गलत किया, पर उनका हमेशा कहना था कि अगर कोई भी काम करने में आपकी नीयत साफ हो तो कोई काम बुरा नहीं होता। और जो औरत अपना जिस्म बेचने को राजी हो गई, उन बच्चों का कत्ल कैसे करेगी? तो फिर कहाँ है वो? अपने बच्चों से इतना प्यार करती हैं तो एक बार भी पलट कर खबर क्यों नहीं ली कि बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं? वो सब मुझे नहीं पता, वो आपका काम है, आप देखिए, आप पता लगाइए ना। तुम्हारी अम्मी की जिंदगी मुझे एक बहुत दिलचस्प नॉवेल की जैसे लगी, और तुमने उसमें और भी कई दिलचस्प किस्से जोड़ दिए। पर तहकीकात किस्से कहानियों के बूतों पर नहीं होती, फैक्ट्स के बेसिस पर होती है। और फैक्ट यह है कि कत्ल के बाद से तुम गायब थी और तुम्हारी अम्मी भी। और फैक्ट ये भी है कि किसी ने मेरे पूरे खानदान को खत्म कर दिया, और आप तहकीकात करने की जगह किसी बेकसूर को इस सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि उस दिन मैं हॉस्टल में थी, आपको पता करना है पता कर लीजिए। वो तो हम करेंगे, पहले तुम ये बताओ कि कादर कौन है? मकान मालिक है वो, उसी ने हमें गुमराह किया था ये शिनाख्त करके कि उन चार लाशों में से एक तुम्हारी है। तो वो आप उनसे पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सर बहुत कम लोग होते हैं जो पुलिस के सामने टूटते नहीं है, तुम उनमें से एक हो। हमारे हर सवाल का जवाब ऐसे दे रही हो जैसे ये कोई तहकीकात नहीं बल्कि मुकाबला। जिसकी जिंदगी सवालों से जूझने में गई हो वो सवालों से क्या डरे साहब, नीयत साफ है मेरी। मकान मालिक और किरायेदार का रिश्ता कितना गहरा था? जितना एक किरायेदार और मकान मालिक का होता है उतना। इंटरेस्टिंग, अब जब तुम सब कुछ जानती हो तो ये भी बहुत बेहतर तरीके से जानती होगी कि हमारी परमिशन के बिना शहर छोड़कर नहीं जा सकती। जी अब मैं जाऊं। अब्बू। हाँ बेटा। ना बिल्कुल डर मत, मैं आ गया हूं। शक्ल से भोली है लेकिन है उतनी ही शातिर, हर सवाल का जवाब ऐसे दे रही थी जैसे मैं बॉलिंग कर रहा हूँ और ये बैटिंग। रॉय लड़की दिखती कुछ है लेकिन है कुछ और, इसके बयान को वेरीफाई करो और इन दोनों पर नजर रखो। यस सर। बहुत पेचीदा फैमिली, इनकी कहानी का सच जानने में मुश्किल होगी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कादर और सायरा ने मिलकर ही ये सारा कांड किया हो? हो सकता है। एक काम करो अपने खबरियों को इनके पीछे लगा दो, शातिर खिलाड़ी समझ रहे हैं कि हमें चकमा दे देंगे, लेकिन हर मुजरिम अपने पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़कर जाता है। वो चौथी लाश जिसे हम सायरा की समझ रहे थे, वो हमें इस गुत्थी को सुलझाने में जरूर मदद करेगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से उसकी किडनी खराब थी और वो डायलिसिस पर थी। यस सर। पता लगाओ कि यहाँ के किस किस हॉस्पिटल में डायलिसिस होता है और उनकी पेशेंट लिस्ट से बॉडी को मैच करो। अगर वो लाश सायरा की नहीं थी तो और किसकी थी? पुलिस के शक के दायरे में अब सायरा का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन अब भी एक सवाल था जिसका जवाब पुलिस ढूंढ नहीं पाई थी कि जिस लाश की शिनाख्त सायरा की लाश के तौर पर की गई थी आखिर वो लाश किसकी थी। कातिल बड़ा ही शातिर था, उसने नकली बाप बनकर चारों लाशों को भी दफन करवा दिया। अब पुलिस को उस लड़की की पहचान ढूंढनी थी जिसकी लाश को वो सायरा की लाश समझ बैठे थे। मैंने सभी हॉस्पिटल से डायलिसिस वाले पेशेंट्स की लिस्ट ले ली है। पूरे लखनऊ में चार पेशेंट्स ऐसे हैं जो हमारी विक्टिम की आइडेंटिटी को मैच करते हैं, उनके फोटो और एड्रेसेस हैं हमारे पास। मैं उनमें से विक्टिम को आइडेंटिफाई करके आपको रिपोर्ट करता हूं। सर
पुलिस। ये तो सायरा की अम्मी है। ये कहानी तो फिर से उलझ गई। एक काम करो, बॉडी को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर हमारा चेक तो शबनम पर था, अब जिसे हम कातिल समझ रहे थे वो तो खुद ही कत्ल का शिकार हो गया। शबनम की लाश ने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया था, उसकी मौत ने उसे शक के दायरे से बाहर निकाल दिया था। अब सिर्फ सायरा ही थी जिस पर पुलिस की नजरें टिकी हुई थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। हमारी अम्मी की बॉडी के पास बटुए में फोटो मिला था। मैंने कहा था ना आप लोगों से कातिल को ढूंढिए, लेकिन आपको मुझ पर शक करने से फुर्सत मिले तब ना। मेरा 5 कत्ल हुए हैं, हमारे शक के दायरे में हर वो शख्स है जो इस कहानी में शामिल है। आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। सबके सब खत्म हो गए सिवाय मेरे और अब्बू के। वही तो राज की बात है सायरा, और यही गुत्थी हमें सुलझानी है। और यकीन मानो कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। बस 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 हाँ साहब, खालिद घर पे आ चुका है। ठीक है, खालिद आ गया, उठा लो उसे। ओके सर। बोल कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। मारा तूने शबनम के बच्चों को, क्या चक्कर है तेरा? दवाइयां लेकर जाता था ना उसके लिए? बोल साहब, मैं जब भी जाता था दवाई लेकर जाता था साहब, उसको लीवर की बीमारी थी साहब, मैंने कुछ नहीं किया। जब तक पेट भर के मार नहीं खाएगा सच नहीं बकेगा तू। बोल किससे चक्कर था? शबनम से कि उस बेटी से? शबनम साहब, शबनम। शबनम से? साहब शबनम मुझे अच्छी लगती थी, पर मैं उसे सोने के लिए पैसे देता था, और मुझे लेकर उसका और उसकी बेटी में बहुत झगड़ा हो रहा था, और उस दिन जब मैं उससे मिला तो उसने रिश्ता खत्म कर दिया अपनी बेटी की खातिर साहब। जाने मन, आज बहुत बढ़िया वाली विस्की लाया हूं। ग्लास कहाँ है? आज नहीं। ये क्या बात हुई? आज रात तो रुकने का इरादा है, और रात भी तो थोड़ी रंगीन होनी चाहिए। रातें और काली ना हो, इससे पहले रुकना जरूरी है। मैं कुछ समझा नहीं। आज तक बहुत कुछ लिया है आपसे, आपकी मेहरबानियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक मेरी जिंदगी मुझसे रूठी हुई थी, लेकिन अब मेरी बेटी मुझसे रूठ कर कहीं चली गई। अगर आपका यहाँ आने का सिलसिला नहीं रुका तो मेरी बेटी कभी यहाँ वापस नहीं आएगी। आपसे गुजारिश, आप यहाँ ना आया करें। तो इसीलिए तूने शबनम के बच्चों को मार डाला? मैं क्यों मारूंगा साहब, शबनम से मेरे जिस्मानी ताल्लुकात थे लेकिन दिल का रिश्ता नहीं। एक दिन मुझे पता लगा उनका मर्डर हो गया साहब, मैं डर गया, बहुत डर गया साहब, और डर के मारे भाग गया साहब। बहुत मजे कर लिए तूने, अब यहाँ मजे कर। सर ये रही शबनम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका मर्डर भी उसी दिन चंद घंटों पहले हुआ है जिस दिन उन 4 बच्चों का।
रॉय, या तो ये दोनों मर्डर्स एक ही आदमी ने किए हैं या फिर दो अलग अलग लोगों ने, लेकिन जो भी है इसमें सायरा का कुछ ना कुछ तो हाथ है। हमारा एक खबर है ना उसके पीछे। यस सर। आपका खूबसूरत पंछी इधर झगड़ा कर रहा था कादर मियां के साथ, बहुत गुस्से में था। नजर रखना कहीं पंछी उड़ ना जाए। ओके साहब। जितना कॉम्प्लिकेटेड माँ का किरदार है उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बेटी का, उलझा के रख दिया दोनों ने। और पता ये लगाना है कि जो सायरा की लाश बनकर वहां पहुंची थी वो कौन है। इसको पहचानती हो? हाँ सब, परिणाम है। और क्या जानती हो इसके बारे में? रॉकी इसको ग्राहक लाके देता रहता है। रॉकी? और हाँ सब, दोनों के बीच में धंधे को लेके बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते थे। रॉकी कहाँ है? रॉकी वहाँ। रॉकी? हाँ सब। ये परी के साथ तेरा क्या झगड़ा था? जो मारा उसको? मारा? क्या बात करो साहब, परी मर गई। ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत कर, मर्डर हुआ है उसका। मर्डर? साहब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को भला कोई कैसे मार सकता है? परी और मैं दोनों मिलकर काम करते थे पेट भरने के लिए। देख रॉकी, खुद बता देगा तो अच्छा है, नहीं तो हमें अपने तरीके आते हैं पूछने के। साहब सच बता रहा हूँ, पिछले हफ्ते 10 दिनों से मैंने उसे देखा भी नहीं, मैं खुद परेशान हूँ। हाँ साहब, लास्ट टाइम मिली थी मुझे अड्डे पे, उसके बाद साहब वो कहाँ गई, किसके साथ गई, मुझे कुछ नहीं पता। अड्डा कहाँ है? साहब आजाद नगर चौक सिग्नल के पास है। परी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले फौरन हमें बताना। हाँ सर। इसको देखा कहीं? हाँ ये तो हमारे दोस्त है परी, लेकिन आप उनको पता नहीं हो कहाँ जाती है कहाँ नहीं, धंधे का टाइम होता है शायद। इसको जानता है? हाँ साहब ये परी है। आखिरी बार कब देखा था? उस दिन सिग्नल पे देखा था, वो राजू की टैक्सी से आती जाती थी, उस दिन भी वो राजू की टैक्सी से ही गई। सायरा के घर से मिली चौथी लाश एक कमर्शियल सेक्स वर्कर की थी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जान किसने ली, उसकी लाश को शबनम के घर तक कौन ले गया था और सायरा की फैमिली से उसका क्या रिश्ता था। ये कहानी ऐसी थी जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। कौन था इस साजिश का सूत्रधार, क्या वजह थी इन हत्याओं की? तुम लोग सब पूछताछ करो जल्दी। क्या पुलिस? क्या सर? ये तेरी गाड़ी है ना? क्यों क्यों क्या हुआ सर? अबे बाहर निकल, बाहर निकल। सर क्या हुआ बता। चल, 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 चल बताते हैं तुझे। सर फोरेंसिक टीम ने उस टैक्सी को चेक किया है, उस टैक्सी में ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं, मर्डर उसी टैक्सी में हुआ है उस लड़की का। जिस स्पॉट से वो टैक्सी निकली थी वहां से लेकर सायरा के घर के एरिया तक सारे सीसीटीवी फुटेजेस इकट्ठा करो, कहीं ना कहीं से कातिल का कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। ओके सर। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया साहब जी, हम तो टैक्सी चलाते हैं साहब जी, ऐसा वैसा कोई काम नहीं करते हैं। बहुत सीधा है तो पिछले महीने की 17 की रात को तेरी टैक्सी में एक औरत बैठी थी, परी नाम था, धंधे वाली थी। साहब बोले तो साहब बोल। 17 तारीख को मैंने अपनी गाड़ी किराए पे चढ़ाई थी, एक आदमी आया मुझे 6,000 रुपया दे गया, मैंने गाड़ी दे दी। मैंने सोचा डबल किराया है, एक साथ इतने पैसे आ रहे हैं। कोई भी 6,000 क्यों देगा ऐसे ही, तेरी चोरू का भाई है। हाँ
हाँ बिस्मिल साहब जी, आपकी खूबसूरत पंछी किसी और मर्द के साथ उड़ने लगी है। बिस्मिल हर समय शायरी मत किया कर, नया कबूतर कौन है पता लगा। साहब जी, पंछी को दाना डालने वाले का पता चल गया है। दोनों एक ही दफ्तर में काम करते हैं। लड़की कोई बहुत बड़ा डबल गेम खेल रही है, एक तरफ कादर से गुटरगू और दूसरी तरफ ये नया मुर्गा। नजर रखो। मेरा चश्मा कहाँ रख दिया? मेरा चश्मा कहाँ रख दिया? ओहो, ये सायरा भी ना, आजकल दिमाग नहीं ठिकाने उसका, कहीं भी कुछ भी रख देती है। टैक्सी जिसने किराए पर ली थी उसका पता चल गया। ये सायरा, तुम्हारी अम्मी को बहुत डील दी थी मैंने, लगता है तुम भी वैसे किसी रास्ते पर जा रही हो। अब्बू, ये बैग मिला है। आप भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? अब तक सिर्फ सवाल किया है, इल्जाम नहीं लगाया। और कहीं से भी आया हो आपको क्या? वैसे भी इतने बरस हमने मुफलसी में गुजारे हैं जब आप जेल में थे। तुम दो अलग बातों को एक साथ रख रही हो। मैंने जो किया गुस्से में किया, काबू नहीं रख पाया, लेकिन ये पैसे। वाह अब्बू वाह, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए, अम्मी अपनी शराब पर काबू नहीं रख पाई, और इन सब में भुगता किसने? हमने। हमारी बर्बादी का सिलसिला तो तभी से शुरू हो गया था। और मैं क्या काम करती हूँ, कहाँ काम करती हूँ, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अपने अब्बू से ऐसे बात करोगी? कहाँ कहाँ गई वो सायरा जो अपने अब्बू के साथ दरगाह जाना चाहती थी? मर गई वो सायरा। कहाँ से आया सायरा के पास इतना पैसा? आखिर वो अपने पिता से क्या छुपा रही थी? और सायरा के दिल में अचानक अपने पिता के लिए इतना जहर कहां से भर गया? कहीं कोई उसे बहका तो नहीं रहा था, अपना मोहरा तो नहीं बना रहा था, कहीं वो कातिल से मिली हुई तो नहीं थी? घर तो खुला है, ठीक से चेक करो। बाप बेटे दोनों उड़ गए। हेलो, हाँ ठीक है, हम लोग आते हैं। कादिर का फोन था, कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता है। चलो। बोल कादर, पुलिस को कैसे याद किया? एक बड़ी खबर देनी थी इसीलिए फोन किया था। सायरा आई थी, 2 महीने का बकाया किराया और 4 महीने का एडवांस देकर गई है। क्यों, ऊपर वाले ने कुछ छप्पर फाड़ कर दिया है क्या? वही तो, जो सब्जी वाले के पैसे देने में मारामारी करती थी, अब वो 6 महीने का एडवांस, वो भी एक साथ। इसलिए मैंने सोचा आपको खबर कर दूं, क्योंकि आप मुझ पर शक कर रहे हैं।
रॉय, सायरा हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। इस कहानी को वही पूरा करेगी, वही सुलझाएगी हर पहेली। सायरा ने अभी दो दिन पहले रिजाइन दिया था, और उसका दोस्त वो अब्दुल भी था उसके साथ। दोनों ने एक साथ जॉब छोड़ी है। अच्छा, ये सायरा और अब्दुल की डेस्क कौन सी है? ये दोनों डेस्क उनके। सर्च करो। सर, सायरा के डेस्क से ये ट्रेवल एजेंट का कार्ड मिला है। लड़की को पहचानते हैं? सायरा नाम है, आपके यहाँ टिकट लेने आई थी। हाँ सर, ये आई थी यहाँ पे, इसने बाराबंकी के लिए दो टिकट्स भी बुक किए थे और एक थ्री स्टार होटल का इसने पता भी लिया था, लेकिन इसने कोई बुकिंग नहीं की वहाँ पे। उसके साथ कोई और भी था? नहीं सर, ये अकेली थी। दूसरा टिकट किसके नाम पर बुक हुआ था? एक मिनट, मैं चेक करके बताता हूँ। ये देखिए सर, रॉय, बाराबंकी पुलिस को इन्फॉर्म करो। लखनऊ से शुरू हुई कहानी अब वहीं खत्म होगी। यस सर। लड़की को पहचानती हो? यस सर, ये हमारे होटल में ही रुकी है, इसके साथ एक आदमी भी है। रूम नंबर? 1 सेकंड सर, 103। सायरा, आप लोग लेके चलो। क्यों? क्या? अब्दुल और सायरा की गिरफ्तारी ने इस मामले को एक नई दिशा दी थी। क्या अब्दुल और सायरा ने ही ये सारे कत्ल किए थे? क्या अब ये गुत्थी सुलझने वाली थी, या फिर षड्यंत्र का कोई नया पन्ना खुलने वाला था? और आगे जो सच सामने आया वो पुलिस की कल्पना से भी परे था। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अब्दुल से निकाह किया है। वो कोई गलत तो नहीं है ना, कोई गुनाह तो नहीं है ना? प्यार करती हूँ मैं उससे। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन अपने परिवार को मारना गुनाह है। और तुमने तो अपने अब्बू को भी गायब कर दिया। अब्बू गायब है? लो, इसे तो सुनकर शॉक लग गया। और तुझे नहीं लगा? तूने गायब किया है ना उस्मान को। मैं क्यों किसी को गायब करूंगा सर, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ा है सारे खानदान से। किसकी दुश्मनी? हाँ, बोलेगा या फिर बोलने वाला तोता मंगवाऊं? एक मिनट रुक, लेकर आओ। चाची, मैं बताती हूं इंस्पेक्टर साहब, वो औरत डायन थी। डायन खैरा, तुम्हारे ये शौहर तुम्हारे अब्बू के साथ जेल में रह चुके हैं। तुम्हें तो शायद मालूम ही नहीं होगा कि तुम्हारे इन शौहर जनाब का रिकॉर्ड कितना रंगीन है। बहुत सारे केसेस दर्ज हैं इस पर, खून के भी। और भी दोस्त बनाए थे ना तूने जेल में, उन्होंने ही तेरी अधूरी कहानी पूरी कर ली। लाओ भाई, जनाब के दोस्तों को। ये नकली उस्मान बनकर आया था। तुम ही उन बच्चों के पिता? हाँ सर। दो थप्पड़ लगाया और सारा सच उगल दिया। इसी ने हमें बताया कि सदरौना से कोई तुझे पैसे दे रहा है, और सदरौना का नाम आते ही हम फौरन समझ गए कि इस सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है। इरम बेग, क्योंकि पहली मुलाकात में ही इनके जो तेवर थे हमें तभी शक हो गया था। मैंने शबनम से साफ साफ कह दिया, तुम जैसी गंदी औरत इस घर में नहीं चाहिए। वो क्या ना चाची, इस कहानी में हमें एक से बढ़कर एक किरदार मिले, लेकिन सोचते हैं कि इस कहानी को आखिर तक आप ही पहुंचाइए। बताइए सायरा को और हमें भी कि कैसे किया ये प्लान और क्यों।
सिर्फ जायदाद के लिए ना? हाँ, जेठ जी के जेल जाने के बाद शबनम और उसके बच्चों को मैंने घर से निकाल दिया। हम बहुत खुश थे, सारी जायदाद हमारी हो गई थी। एक दिन वकील साहब आए, जब पता चला कि वसीयत में सिर्फ बच्चों के नाम है, मेरे मन में अंगौर सी लग गई। मैंने सारा काम अब्दुल को सौंप दिया। इसने पैसे पूरे तो लिए लेकिन काम पूरा नहीं किया। बाद में पता चला सायरा जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल उल्लू बना गया आपको? सायरा मरी नहीं, वो जिंदा है। अब्दुल की सायरा के साथ अय्याशी चल रही है। कत्ल का मामला तूल पकड़ रहा था, इसलिए मैंने राजू को नकली बाप बनाकर भेजा ताकि लाशों को दफन कर सके। मैंने पता कर लिया था यहाँ दोनों कौन से लॉज में हैं, वहीं इन दोनों को मरवा देती अगर पुलिस हमसे पहले नहीं पहुंचती तो। चाची जी, लाशें दफन करने से सच दफन नहीं होता। वाह चाची, 420। बेकार की बात बंद। चल अब तू मुंह खोल या फिर मैं खुलवाऊं। सब तो बता दिया सर, मैं क्या बताऊं अभी। जब पैसे पूरे लिए थे तो सायरा को छोड़ा क्यों? प्यार हो गया था सर सायरा से। पहली बार उसको देखा था तो झुंझुनी बज गई थी मेरे अंदर। मैंने सोच लिया था मैं निकाह करूंगा तो सारे से ही करूंगा। फिर मैं इसके और इसके परिवार पर नजर रखने लगा। पहली बार दिल ऐसा धड़का कि कमीना इसी का हो गया। बहुत प्यार करता हूँ सर मैं इससे, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके लिए सर। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं सायरा को बचाऊंगा चाहे कितने को भी मारना पड़े। फिर मैं इस पर नजर रखने लगा। जैसे जैसे मैं उसको देखता गया मेरा दीवानापन, मेरा पागलपन और बढ़ता गया इसको लेके। तो देखिए सर, मैं बोलता गया इसको कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मारने वाला हूँ। तो आती क्या मेरे पास ये? नहीं आती ना सर। अब सर सायरा को बचाना था तो उसकी जगह मुझे कोई दूसरी लड़की चाहिए थी, तो वो उस छमिया को मैंने पकड़ा और उसे मार दिया। क्या पे चिकने, यहाँ अकेला क्या कर रहा है? चल कहाँ? चल बता दो। चल चल। हे राजा, तूने मुझे बिठा तो लिया पर तूने पूछा तो नहीं कि मैं एक रात का कितना लूंगी। जहाँ ले चल रहा हूँ वहाँ चुपचाप चल ले, समझी? अच्छा हम जा कहाँ रहे हैं? चुपचाप बैठी रहना। क्यों, पूरी रात का इरादा है क्या? देख इरादा तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी जहाँ लेके जा रहा हूँ वहाँ चुपचाप चल ले बस। तो जैसे घटिया औरत के मैं मुंह तक ना लूं, समझे? साइड में लगा, अभी की अभी गाड़ी रोक और साइड में लगा, रोक। फिर उसे सायरा के कपड़े पहना के उसके घर में डाल दिया। फिर मैंने उसका मुंह इस तरह कुचला कि आप लोगों को शक ना हो कि वो सायरा नहीं। अगर इतना ही प्यार करता है इससे तो शबनम की बॉडी क्यों गायब की? शक तो सायरा पर आ गया ना। जब मैंने उन बच्चों को मारा ना सर, तभी मैंने सोच लिया था कि माँ को गायब कर देता हूँ ताकि आप लोगों का सारा शक माँ पे जाए। और उन मासूम बच्चों को मारने के बाद उन्हें वहां पर बैठकर तरबूज खाए। थक गया था ना सर। आप बताइए, एक लाश को उठा के गाड़ी में डालो, दूसरी को घर पे डालो, तीन बच्चों को मारो, उनका सर कच्छ, थक जाते हैं सर। जान लेना आसान काम नहीं है, इसलिए खाए सर, और कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद मैंने ये चाची 420 से पैसे लिए और चला गया सर। हाँ, फिर मैंने सायरा के ऑफिस में नौकरी कर ली ताकि उसे अपनी थोड़ी नजदीकियां बढ़ा सकूं, उसका दिल जीत सकूं। मैं बता दूं? आप बहुत अच्छे हैं, आज के टाइम पे कौन किसकी मदद करता है। ये
फैमिली आपके? ये मेरे भाई बहन थे। थे मतलब? मतलब अब नहीं रहे। सॉरी, मैं समझ सकता हूँ जो अकेला होता है उस पर कैसी बीतती। मैं भी अनाथ हूँ। एक बार प्यार हो जाए सर तो उसके लिए जान लेना जान देना सब जायज है सर। और इसीलिए तूने उस्मान की जान ली। उस्मान को पता चल गया था तुम दोनों के बारे में और वो तेरी असलियत भी जानता था। हाँ सर। अरे चाचा कैसे हैं? अब्दुल तुम यहाँ कैसे? मैं तो आप रिहा कब हुए? हमारे लिए आए कि दो हफ्तों बाद। अच्छा लगा आपसे मिलके। क्या कर रहे हो आजकल? मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली है। अच्छा मैं जल्दी में हूँ फिर मिलता हूँ ठीक है। अबू ये अब्दुल है, मेरे ऑफिस में काम करता है। और मुझे लगा कि उस्मान को थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही पता है और कहीं वो सायरा को बताना दे तो सारा बना बिला खेल बिगड़ जाएगा। मैंने शादी की प्लानिंग करी और सायरा को लेके बाराबंकी चला गया। फिर सायरा को उसके बाप के खिलाफ उसके कान भरता गया सर। क्या किया तूने उस्मान के साथ? सर क्या करूँगा मैं उस्मान के साथ? अब चार खून किए पांच खून किए बात तो एक ही है ना, सजा तो उतनी मिलनी है। मार दिया मैंने उसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाचा मैं आपसे मिलने आया हूँ। सायरा से दूर रहो वरना मैं उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने फैसला किया है मैं ही सायरा को सब कुछ बता दूंगा। मुझसे प्यार का नाटक करके तूने मेरे परिवार को ही खत्म कर दिया। सायरा क्या छोड़ दिया मुझे? सायरा अकेली क्या हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सायरा मत रो। एक मिनट यार बीवी हूँ मेरी। सायरा सर कैसा दरिंदा है तू? रिश्ते नाते इंसान की जान किसी चीज की कोई कीमत नहीं है ना तेरी नजर में। कहते हैं दुनिया में हर फसाद के तीन कारण होते हैं, जर चोरू और जमीन, और इस केस में ये तीनों ही कारण सामने आए थे। उस्मान का आवेश में आकर उठाया हुआ एक कदम उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर गया। लालच ने इरम के होश छीन लिए और उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम देने का फैसला कर लिया। सायरा के लिए अब्दुल के जुनून ने इश्क के नाम को रुसवा कर दिया। इरम के इस लालच का सिला उसे क्या मिला? अब्दुल की आशिकी ने उसे क्या दिया? लालच और गुनाह का रास्ता कभी किसी को कुछ नहीं देता सिवाय दर्द और आंसुओं के। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।